तो दोस्तों, भारतीय रेलवे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करने में लगी हुई है। अब इनके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो काफ़ी बड़ा खर्चा आ जाता है सेमी हाई स्पीड ट्रेन के कॉरिडोर्स बनाने का, तो वो ये लोग इतना ज़्यादा तो उठा नहीं सकते। इसे सॉल्व करने के लिए अब इन्हें कुछ नया प्लान लाना पड़ेगा ताकि सेमी हाई स्पीड ट्रेन को काफ़ी सस्ते में भारत के भीतर बनाया जा सके। इसी को लेकर अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आ गई है। यहाँ पर रेलवे, भारतीय रेलवे का ऐसा प्लान है कि अब ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स एलिवेटेड कंस्ट्रक्ट करने के बजाय यहाँ पर एट ग्रेड कंस्ट्रक्शन के ऑप्शन को सबसे पहले देखेंगे, बिकॉज इसकी कॉस्ट आप मानकर चलो काफ़ी ज़्यादा कम आती है कंपेयर टू एलिवेटेड, ऑलमोस्ट 10 गुना। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, अगर भारतीय रेलवे 10,000 किलोमीटर के एलिवेटेड सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाती है तो उतने ही पैसों में तो हम 1,00,000 किलोमीटर तक के सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर बना सकते हैं अगर वो एट ग्रेड बनाई जाए तो। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अभी कॉस्ट के तहत बात करें तो यहाँ पर एलिवेटेड स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए हर एक किलोमीटर का कॉस्ट आता है 300 करोड़ रुपए, और वहीं अगर एट ग्रेड कंस्ट्रक्ट करें तो इसका कॉस्ट तो मात्र 30 करोड़ ही आने वाला है फॉर सेमी हाई स्पीड ट्रेन। आप देख सकते हो काफी ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। वैसे तो जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है ये एक वायाडक्ट के तहत ही होगी, ऐसे ही दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, फिर हमारी काफ़ी सारे मेट्रो सर्विसेज जो भारत के काफ़ी सारे दर्जन भर से भी ज़्यादा शहरों में ऑपरेशनल है, ये सब भी आपने देखा होगा कहीं ना कहीं एलिवेटेड या फिर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर इनके पास है, और इसकी वजह से इनके कंस्ट्रक्शन की लागत काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अब रेलवे ऐसा प्लान कर रही है कि ये लोग लो कॉस्ट सेमी हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे फॉर इंडियन कंडीशंस, और इसके लिए सबसे बेहतरीन वंदे भारत ट्रेन सेट्स को माना गया है। यहाँ पर इनका प्लान ऐसा है कि हमारी जो ट्रेन है वंदे भारत, इसी में हम लोग अब ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी लगा देंगे, इसे और ज़्यादा वर्ल्ड क्लास बना देंगे, और डेफिनेटली बाहर के देशों से एलस्टॉर्म, बॉम्बार्डियर ऐसे सभी बड़ी कंपनीज से सेमी हाई स्पीड ट्रेन प्रोक्योर करने के बजाय हम खुद ही आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के दम पर हम हमारे ही देश में बना हुआ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया ट्रेन्स को लॉन्च करेंगे। ये सब तो हो गया। इसके अलावा अब इनका ऐसा भी प्लान है कि अक्सर आपने देखा होगा पूरे दुनिया में RRTS या फिर कोई भी मेट्रो या हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड, इन सभी में लोग स्टैंडर्ड गेज यूज़ करते हैं। रेलवे अब यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जामिन कर रही हैं, काफ़ी सारे वो लोग अब इनफैक्ट वेज ढूंढ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर ये जो बनाएंगे ये ब्रॉड गेज वाले बनाने चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पूरा नेटवर्क जो है मोस्टली आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 90-95% ब्रॉड गेज ही है। साथ ही में वंदे भारत ट्रेन सेट्स, फिर ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ये भी ब्रॉड गेज नेटवर्क के लिए बेस्ट सूटेड ऑप्शन माने गए हैं। यहाँ पर इनफैक्ट एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स को कहा गया है कि इसके काफ़ी सारे टेक्निकल ऑप्शंस को एग्जामिन करके ढूंढा जाए, काफ़ी सारे सजेशंस दिए जाए कि किस तरह से हम सेमी हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी भारतीय रेलवे में ला सकते हैं, जिसके तहत भारतीय रेलवे 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप रफ्तार से ट्रेन्स को दौड़ा सकती है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि भारतीय रेलवे ने ऐसा भी कहा है कि जो एग्जिस्टिंग हमारे रेल या रोड नेटवर्क है तो उसके अलाइनमेंट में ही अगर हम कुछ इस तरह के ग्रेड्स को ढूंढें तो ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाएगा हमारे लिए, लैंड एक्विजिशन में, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस, इन सभी चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवरऑल अभी इस तरह के सिचुएशन पर काफ़ी सारा एग्जामिनेशन किया जा रहा है, होपफुली आने वाले समय में ये सब फ्रूटफुल नतीजे लेकर आते हैं तो भारतीय रेलवे 8 सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर्स बनाने वाली है जो कि भारत के सभी मेजर सिटीज को कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।